हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहनों, आज के इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और जैसे कि अभी हम लोग फिलहाल जिस भी लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आ रही है कि लाभार्थी का जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है वो खुल नहीं रहा है, या फिर जैसे कि आप लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो यहाँ पे लाभार्थी का डेटा शो होना चाहिए वो डेटा आप लोगों का यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा है रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे ठीक कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में इसी के रिगार्डिंग हम लोग फिर से बात करने वाले हैं। जैसे कि इसके पहले भी मैंने आप लोगों को इसका सोल्यूशन जो है बताया था किस प्रकार से क्या करना है, तो आज मैं आप लोगों को परमानेंट सोल्यूशन बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, किस प्रकार से आप लोगों को ये सारी समस्याओं को ठीक करना होगा, पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों का शो नहीं कर पा रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर प्रेगनेंट वुमेन की कैटेगरी को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे ही जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा पोषण ट्रैकर ऐप है वो एकदम से यहाँ पर वाइट हो जा रहा है और हमारा पोषण ट्रैकर ऐप यहाँ से बैक हो जा रहा है। जब हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक करके फिर से ओपन करते हैं तो ये ओपन नहीं हो पाता है। तो ये पोषण ट्रैकर ऐप में इसको एक बग बोल सकते हैं जिसको यहाँ पे ठीक करना है। देखिए, इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को भी इस प्रकार से जो भी दिक्कत आ रही है इसको ठीक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि पोषण ट्रैकर जो है उसको एक बार लॉग आउट करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। अगर लॉग आउट करने से आपकी समस्या ठीक हो जाती है तो आप लोग लॉग आउट करके और फिर से जो है लॉग इन कर सकते हैं। अगर बार बार आप लोगों को इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों को करना क्या होगा कि सिंपली यहाँ से पोषण ट्रैकर ऐप को बैक कर लेना है। ठीक है, जैसा जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप पर 2 या 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे आपको ऐप इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप लोग इस पे ऐप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो है स्टोरेज एंड कैशे का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप का जो स्टोरेज है यहाँ पर आ जाएगा। होता क्या है कि जब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप पे बहुत दिनों से काम करते हैं तो आपका जो पोषण ट्रैकर ऐप है इसमें स्टोरेज फुल हो जाता है, जिसके वजह से भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि जो लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे नहीं खुल रहा होगा, या फिर लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो वहाँ पर डेटा है वो शो नहीं कर रहा होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप का जो स्टोरेज है उसको क्लियर करना होगा, तभी जाके आप लोगों का ये प्रॉब्लम सही हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या होगा कि आप लोग पहले यहाँ पे क्लियर कैसे वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्लियर कैसे कर देंगे और फिर यहाँ पर क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपके पोषण ट्रैकर ऐप का जो डेटा है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को घबराना नहीं है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो हमने लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसका डाटा क्लियर होगा, नहीं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पोषण ट्रैकर ऐप का जो स्टोरेज डेटा होता है वो ही क्लियर होता है, बाकी आपका पोषण ट्रैकर ऐप में जितने भी लाभार्थी रजिस्ट्रेशन है जितने भी डाटा हैं वो सभी आपका वहाँ पे मौजूद रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कई बार आंगनबाड़ी सेविका बहनें पूछती हैं कि हम लोग अगर पोषण ट्रैकर ऐप का जो क्लियर डाटा है उसको कर देते हैं तो हमारा क्या पोषण ट्रैकर ऐप का डाटा खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप का ही सिर्फ जो डाटा है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और आपके पोषण ट्रैकर ऐप पे जो भी लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहेगा, जो भी आपने उसमें काम किया हुआ रहेगा वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद आपको क्या करना होगा कि फिर से आपको पोषण ट्रैकर ऐप पर वापस आना है और यहाँ से पोषण ट्रैकर ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा कि फिर से पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप सभी को पता ही है कि कैसे लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे 21.7 का जो न्यू अपडेट दिया गया है इसमें आप लोगों का जो नया इंटरफेस है लॉगिन करने के लिए तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर पर जो है एक बार क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद यहाँ पर एरो पर आगे क्लिक करके बढ़ते जाना है और यहाँ पर डन कर देना है। यहाँ से आप लोगों को अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के सिंपली लॉगिन कर जाना है।
हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डाल लिया है। डालने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारा पोषण ट्रैकर ऐप में जो है आसानी से लॉगिन हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, यहाँ पे डाटा जो है सिंक कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप के बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अभी देख पा रहे होंगे कि हमारा कोई भी डेटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें एक रिफ्रेश का जो ऑप्शन दिया गया है पोषण ट्रैकर ऐप में, इसको शो कराने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक रिफ्रेश वाला ऑप्शन दिया गया है, इस रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे हमें एक बार टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे तो जो भी हमारे पोषण ट्रैकर ऐप के डाटा हैं वो यहाँ पे शो होने लगेंगे। अब जब आप लोग यहाँ पे किसी भी लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो चुका है। जो भी लाभार्थी का आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे वो डाटा आप लोगों का यहाँ पे शो कर जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे जो लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन ओपन नहीं हो पा रहा था उसको ओपन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेग्नेंट वुमेन वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला कैटेगरी है जिसमें लाभार्थियों का डेटा हम लोग यहाँ पे भर के सबमिट करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है आसानी से खुल जा रहा होगा। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी इसके वीडियो में बताया था कि अगर आप लोगों को इस प्रकार से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आप लोग पहले क्या करेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप को लॉग आउट कर लेंगे, फिर लॉग आउट करने के बाद पोषण ट्रैकर ऐप को लॉग इन करेंगे तो आप लोगों की ये समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है कि समस्या तो एक दिन के लिए ठीक हो जा रही है लेकिन बार बार ये समस्या आ रही है, तो उसके लिए आपको पोषण ट्रैकर ऐप का जो डेटा है उसको क्लियर कर देना होगा। ट्रैकर ऐप में पुनः जो है आप लोग अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के लॉगिन करेंगे तो ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला कैटेगरी है आप लोगों का आसानी से खुलने लगेगा। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अब आप लोगों का जो डेटा शो नहीं हो रहा था वो डेटा भी आप लोगों का यहाँ पे दिखाने लगेगा। ठीक है, लोग करके देख लीजिएगा, अगर डेटा शो नहीं होता है तो एक बार आप लोग रिफ्रेश वाला ऑप्शन को जरूर यूज़ कीजिएगा, उसके बाद जो डेटा है आप लोगों का यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप में अपडेट हो जाएगा। अगर इस प्रकार से भी आप लोगों का डेटा वापस नहीं आता है तो आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटे बाद तक आप लोग वेट करेंगे तो आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप में जो डेटा है यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आप लोगों की हो रही थी अब यहाँ पे 100% फिक्स हो जाएगी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है सिर्फ वैसे ही आप लोगों को काम करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।